हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी फ्रेंड है मेरे साथ में इंदिरा। वेलकम। हेलो एवरीवन। तो आपने मेरे काफी ब्लॉग्स में, काफी वीडियोस में इंदिरा को देखा होगा। तो हम लोग काफी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो आज हमने सोचा कि मैं इनको भी लेके आऊँ वीडियो में और एक अच्छा सा टॉपिक कुछ किया जाए। तो क्या करें, बात हेयर के बारे में बात करते हैं। प्लीज, माई फेवरेट टॉपिक। ओके, आई लव योर हेयर। पहले तो मैं बता दूं, मुझे सोनिया के बाल बहुत पसंद है, उनका कलर, टेक्सचर। बट आई लव योर हेयर, द कलर तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। तो आपका भी हेयर कलर हो सकता है। आई नो कि हम दोनों की काफी बात होती है हेयर कलर के बारे में। अभी तक तो ये ना मेरे नेचुरल कलर है। मुझे बहुत डर लगता है कलर अप्लाई करने में। कंसर्न क्या होता है बेसिकली आपका? मुझे देखो काफी रिव्यूज, पता नहीं, कुछ फ्रेंड्स ने कहा है कि बाल डैमेज हो जाते हैं या तो कुछ टाइम के बाद पूरे बाल सफेद हो जाएंगे। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज आई हैव अ सोल्यूशन। तो मैं काफी टाइम से हेयर कलर यूज कर रही हूँ और रीजन क्या होता है कि हेयर कलर जब आप करवाते हो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, अमोनिया होता है। बट आई हैव अ हेयर कलर फॉर यू एंड दैट इज दिस लॉरियल पैरिस कास्टिंग क्रेम ग्लॉस। तो मैंने ये हेयर कलर आपके लिए चूज करा है। तो इसके साथ जो आपके सारे डाउट्स थे वो सारे क्लियर होने वाले हैं। तो एक तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, बट इसके साथ जो आपके हेयर कंसर्न थे कि बाल डैमेज हो जाते हैं या ड्राई हेयर हो जाते हैं, वो सारे आपके आज दूर हो जाएंगे। ये भी है कि मैंने सुना है कि एक तो अभी मेरे बाल पहले से बहुत रफ हो गए हैं कि कलर लगाने के एप्लीकेशन के बाद कहीं और नहीं। तो लॉरियल पैरिस कास्टिंग क्रेम ग्लॉस के साथ एक तो आपको बाल जो है आपके वो ग्लॉसी और शाइनी मिलेंगे, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी अमोनिया नहीं है। वही रीजन होता है जिसकी वजह से बाल जो है डैमेज होते हैं। तो इसमें अमोनिया नहीं है तो कोई बाल आपके डैमेज बिल्कुल नहीं होंगे। तो अगर मैं कलर करती हूँ तो मेरे जो ग्रे बाल है वो भी कवर हो जाएंगे। सो वो भी कवर होंगे, ग्रे हेयर भी कवर होंगे, साथ में ये जो कलर है ये 28 वॉशेस तक लास्ट करेगा। अच्छा, तो काफी टाइम तक लास्ट करने वाला है। सो ये जो हेयर कलर है ये उन लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट है जो चाहते हैं कि उनकी ग्रे हेयर कवर हो जाए, प्लस एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि जिनके हेयर ब्लैक है या डार्क ब्राउन है, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा टेंट हो जाए, बर्गंडी हो जाए या लाइट ब्राउन हो जाए, तो उनके लिए हेयर कलर बहुत ही अच्छा है। जो आपके लिए शेड चूज करा है दैट इज 316 बर्गंडी। तो थोड़ा चेंज हो जाएगा एकदम, यू नो, डार्क ब्राउन से बिल्कुल थोड़ा सा बर्गंडी टेंट आएगा। और आपके जो ग्रे हेयर है, आपको वही कंसर्न था कि आपके ग्रे हेयर कवर होने चाहिए, तो वो भी कवर हो जाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले जब भी आपको हेयर कलर करना है तो आप मेक श्योर करें कि एक एलर्जी टेस्ट जरूर कर ले 24 आवर पहले। तो आप जस्ट थोड़ा सा अपने कान के पीछे अप्लाई करके देखें, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कोई रिएक्शन वगैरह तो कुछ तो नहीं हो रहा है। तो हमेशा मेक श्योर करें कि आप फर्स्ट टाइम अगर हेयर कलर कर रहे हो तो जरूर एलर्जी टेस्ट करें, ठीक है। इट्स मैंडेटरी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपके करा था तो अभी आज तक आपको कोई एलर्जी नहीं हुई है ना कल से? बिल्कुल भी नहीं। तो ये हेयर कलर इस पैकेजिंग में आती है और जो प्राइस है दैट इज जस्ट 550 रुपीज और अलग अलग 13 शेड्स में अवेलेबल है। तो 13 शेड्स है इसमें, तो आप बहुत आप चूज कर सकते हो कि कौन सा आपको हेयर कलर चाहिए। फर्स्ट है इसमें कलरेंट क्रीम, सेकेंड है डेवलपर क्रीम, थर्ड स्टेप है दैट इज शाइन मास्क विद रॉयल जेली। इस बॉक्स में साथ में हमें ये ग्लव्स मिलेंगे जो कि डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं। ये पहन के आप अपना हेयर कलर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसमें आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, तो जरूर आप इसको पढ़िए अगर आप फर्स्ट टाइम हेयर कलर करने जा रहे हो। तो इस हेयर कलर के साथ आपको एक तो कलर मिलेगा अलग से, आपके ग्रे हेयर कवर हो जाएंगे, सेकंड आपको ग्लॉसी और शाइनी हेयर मिलेंगे। तो ये एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, आई एम सो एक्साइटेड, इज वेरी एक्साइटेड, वेरी मच आई एम वेरी एक्साइटेड एज वेल कि कैसा आप पे ये हेयर कलर लगने वाला है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो कलर क्रीम है ये हमें ऐड करना है डेवलपर क्रीम में। तो जस्ट इस बॉटल में आपको ट्रांसफर करना है और शेक कर लेना है। तो जो रेशो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1:1.5 रेशो होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो इसको हमें इसमें मिक्स करना है, डायरेक्टली शेक करके अपने बालों पे अप्लाई करना है, ठीक है। और मेक श्योर करें कि आप हमेशा ग्लव्स पहन के रखें जब भी आपको हेयर कलर करना है। विल स्टार्ट विद द एप्लीकेशन नाउ। इसको यूज करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज जस्ट वेट योर हेयर विदाउट वॉशिंग इट, tar dry thoroughly, and the next step is applying sections, concentrating the products at the roots. तो यहाँ पे मैं partitioning करके apply कर रही हूँ। उसके बाद just massage the roots to ensure the product is thoroughly worked into the hair and is evenly spread. Leave it for 20 minutes. और अगर आपके grey hair हैं तो आप extra 5 minutes रख सकते हैं। वाओ यार, it's so easy to apply. हाँ, that's what I was telling you ना कि बहुत easily आप घर पे कर सकते हो। अब तो पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं है। और बच्चों के साथ इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट, ये ना टाइम नहीं मिलता है, तो आप घर पे कर सकते हो आराम से। थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस। यू आर वेलकम। गाइस, हेयर कलर एप्लीकेशन हो गई है और इस हेयर कलर को रखना है जस्ट 20 मिनट्स के लिए, और इनके थोड़े से ग्रे हेयर है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा 5 मिनट्स रखना है, तो जस्ट 25 मिनट्स। ओके, और आपको एक अच्छे हेयर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें हेयर वॉश करना है, देन अप्लाई अ जनरस अमाउंट ऑफ शाइन मास्क विद रॉयल जेली थ्रू आउट द हेयर। उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए छोड़ें और उसके बाद जस्ट पानी से रिंस कर दें। गाइस, सो वी आर बैक आफ्टर हेयर कलरिंग एंड हेयर वॉश। तो मुझे तो आपके बाल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। चेंज लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई कैन फील माई हेयर अभी ज़्यादा सॉफ्ट, हेल्दियर और शाइनी हो गए हैं। And I can feel the little tint, red tint on my hair, जो मुझे बहुत पसंद आया। Very thankful to you. I'm glad कि आपने मुझे ये introduce करवाया। अब मैं पक्का घर पे यही use करने वाली हूँ। You were worried about ना? Yes, yes, yes. But after using this product, I am feeling really happy. This is ammonia free, तो बाल आपके बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। तो अगर आप अगेन पूछना चाहोगे तो मैंने जो कलर यूज इन पे करा है दैट इज 316 बर्गंडी के साथ, जो इनके ग्रे हेयर है वो काफी कवर हो गए हैं और बाल भी एक्स्ट्रा शाइनी। आप देख सकते हैं ग्रे हेयर भी सब अच्छे से कवर्ड है, एंड इट्स रियली आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज माई हेयर्स आर फीलिंग वेरी सॉफ्ट। दैट इज रियली यू नो इम्पोर्टेंट कि आपको अच्छा लगना चाहिए। मुझे खुद बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक्स टू यू। दिस लॉरेल पेरिस कास्टिंग क्रीम ग्लॉस, इट हैज नो अमोनिया, इट कवर्स योर ग्रेज वेरी वेल एंड इट लास्ट अप टू योर 28 वॉशेज। ऑल्सो इट हैज 13 अमेजिंग शेड्स जिसमें से आप इजिली चूज कर सकते हो, और जो इसका प्राइस है वो है 550 रुपीज। आप चूज कर सकते हो जो भी आपको पसंद है शेड, और जो लिंक्स है वो मैं ऐड कर दूंगी, आप वहां से बाय इजिली कर सकते हो। और आप जरूर कमेंट कीजिए कि आपने कौन सा हेयर कलर ट्राई करा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू एंड फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच अ अमेजिंग हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके गाइस, सो विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।